इस दो ऑडियो वीडियो स्किलर का बताइए रहा फटाक से अभी देखिए क्लियर हुआ ऑडियो वीडियो आपको ऑडियो वीडियो क्लियर हुआ जरा देखिएगा चेक करिए बताइए फटाक से गुड आफ्टरनून रवि जी गुड आफ्टरनून ठीक है आगे शुरू करते हैं हम लोग तो आज हम लोग करेंगे पचास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके जो मॉक के सवाल हैं पचास उसको करने वाले हैं तो फिफ्टी क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर आएंगे आप आपके पचास क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन रहने वाले हैं जिसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे ठीक है इस कोड को आप स्कैन कर दीजिएगा इस कोड को आप स्कैन कर सकते हैं सिंपल सी बात इस कोड को स्कैन करके आप लोग क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं इसको ठीक है पहली बात तो ये फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पता चलता है हम लोगों को देखते हैं यहाँ पर कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पा साइट ऑफ धोला बेरा सिचुएटेड धोला बिराग का जो हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित होगा इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द हड़प्पा साइट ऑफ द धोलाबेरा सिचुएटेड तो धोला बिराग का जो हड़प्पा स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित होगा सिंपल से कहानी है पंजाब उत्तर प्रदेश गुजरात हरियाणा धोला बेरा आपका एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को तो की साइट में उसको शामिल किया गया है राइट right? क्यों क्योंकि यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जल प्रबंधन प्रणाली जो है वाटर मैनेजमेंट यानी कि इसको बोलेंगे जल प्रबंधन जो प्रणाली है उसमें इसको क्या रखा के डाला गया है और यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे पंजाब यूपी गुजरात और द हरियाणा ठीक है पंजाब यूपी गुजरात या फिर हरियाणा की अगर बात करेंगे तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा ये तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में ही है ये बेसिक सवाल है यहां से कुछ पॉइंट और नोट करेंगे यहाँ पर जैसे कि अगर बात करेंगे हड़प्पन साइड की अगर बात करें तो हड़प्पन साइड में धोला क्या हो जाएगा ये आपका एक

और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर दो तीन चॉइंस और रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर धोलाबीरा की जो जो कहानी है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब ये ये इसका जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत अच्छा है और इसके अलावा यहाँ पर क्या हुए हैं यहाँ पर पोटरीज और ऑर्नामेंट्स और मतलब पोट्रीज और आपके जो ऑर्नामेंट्स मतलब जो ज्वेलरी जो है जो आभूषण है वो बनवाए गए हैं धोलाबीरा में वो लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर धोलाबीरा में जो सिटी की प्लानिंग है वो बहुत एक्सीलेंट है सिटी की प्लानिंग बहुत एक्सीलेंट है शहर का प्लानिंग चौटे छोटे रोड पाए जाते हैं इसके साथ में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रिसीजन के साथ में मतलब बहुत ही प्रिसाइज तरीके से नालियाँ नदियाँ नालियाँ नालिया और इसके अलावा घर वगैरह रोड वगैरह बनाए गए हैं इसमें से और इसके साथ साथ देखेंगे कि यहाँ पर एक डैम है वो डैम बिल्ड किया गया था धोला के लोगों को द्वारा कहाँ पर आपका एक नदी पड़ती है गुजरात में मनसार या फिर मनहार रिवर की बात करेंगे तो मनसार और मन्हार रिवर जो है वहाँ पर आपको डैम पड़ता है वो डैम की अगर बात करें तो वो डैम आपका कहाँ से हो जाएगा आपका धोलाबीरा की साइड पर पड़ेगा वो डैम यानी कि बांध की बात करते हैं तो तो कुछ पॉइंट्स आपको नए मिले होंगे इसमें अभी मुझे लगता है जहाँ तक ये वाला पॉइंट आपके लिए नया होगा जो आपने पढ़ा यहाँ पर बहुत से कम लोगों को पता होगा कि यहाँ पर एक डैम भी बनाया गया था और वो डैम धोलाबीरा के लोगों द्वारा बनवाया गया था पहली बात किस तरह किस लोगों की चीज़ पता थी पहले ज़रा बताइए तो कुछ चीज़ें मैं खोज खोज के ला रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा रखी है उसके अलावा कुछ नया आपको हर क्वेश्चन में क्या डाला जा सकता है क्या कुछ नया दिया जा सकता है तो वो चीज़ें आपको दे रहे हैं अभी आपने नोटिस किया होगा पिछले तीन चार दिनों से खासकर पीई टी के एग्जाम के बाद आपने काफ़ी कुछ नोटिस किया होगा अगर नोटिस किया तो अच्छी बात है यहाँ पर ठीक है तो ये जो डैम है वो इसका डैम का नाम हो जाएगा उसको बोलेंगे मनसर या मनहार रिवर पर बना था एक डैम जो कि धोला के द्वारा बनाया गया था यहाँ पर और एक चीज़ आपको और एक नई पता चली होगी आज कौन सी खादिर आइलैंड वाली जो खादिर द्वीप है आपने तो पढ़ा होगा गुजरात में है लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कौन से द्वीप पर है कौन से आइलैंड पे है तो ये खादिर आइलैंड पड़ेगा एक तो ये आपने आज नया पढ़ा इसके अलावा आपने नया पढ़ा आपको कौन सा ये यहाँ पे एक डैम बनवाया गया था और वो डैम का नाम हो जाएगा कौन सा आपका डैम का नाम तो नहीं है यहाँ पर क्योंकि नाम ऐसा नहीं मिला हमको क्योंकि हमने वो लिपि पढ़ी नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे लेकिन वहाँ के उनके द्वारा मनसर और मनार नदी पर बनाया गया था इसको ये भी याद रखेंगे और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर वाटर रिजर्वायर जो है वो बनाए गए हैं और बहुत सारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर काम किया गया है आपकी धोलावेला साइड में ठीक नेक्स्ट आप बात करेंगे तो कुछ साइटें और हैं जैसे कि कालीमंगन की बात करेंगे तो कालीमंगन में जो है बंजर भूमि के साथ से मिलते हैं लकड़ी के कुंड के साथ से मिलते हैं यानी कि वहां पर हवन बने थे लकड़ी के कुंड बने हुए थे सात अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जिसको फायर अल्टर्स कहते हैं फायर अल्टर्स ये आपको प्राप्त हुई हैं और कितनी मिली हैं ये भी अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो कितना जाएंगे अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि भाई आपने अभी तक ये पढ़ा होगा अग्नि वेदिकाएं मिली लेकिन कितनी मिली हैं बहुत डिटेल में जाएंगे तो क्या पूछ सकते हैं कि कितनी फायर वेदिकाएं हैं तो यहाँ पर सात हैं टोटल याद रखेंगे सात सेवन आपकी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई कालीबंगन से, काली से। जुताई की खेत की सतह जो है वो प्राप्त हुई यहाँ से अगर मैं सुरकोतड़ा की बात करूंगा तो सुरकोतड़ा कोतड़ा कोतड़ा से हमको क्या प्राप्त हुआ प्राप घोड़े की हड्डियाँ यानी कि हॉर्स बोन प्राप्त हुई हैं हॉर्स बोन यानी कि घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं इसके साथ में अंडाकार कप्र प्राप्त हुई है यानी कि एग वाली सेल प्राप्त हुई है बर्तन दफन किए गए हैं उनके कब्रों में और मनके बनाने की दुकानें जो हैं ये भी प्राप्त हुई हैं इस जगह से मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो को हम लोग किस नाम से जानते हैं उसको महान स्नान घर के नाम से जानते हैं महान अन्न भंडार यहाँ पर पाया गया है विधानसभा हॉल पाया गया है डाढ़ी वाले आदमी की एक स्टेटाइट मूर्ति पाई गई जो स्टेटाइट की जो सील होती थी सेल सेलखड़ी की सीलें होती थी उससे बनाई गई है और पशुपति की मोहर भी यहाँ पर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से तो ये कुछ चीज़ें होंगी किसके बारे में मोहनजोदड़ो के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका धोलाबीरा की बात करेंगे धोलाबीरा मैं आपको बताई चुका हूँ ठीक है और इकलौती साइट है धोलाबीरा जिसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है ये पॉइंट भी नोट करेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी साइट है जिसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं या तीन भागों में विभाजित किया जाता है तो हो जाएगा कौन सा आपका ये हो जाएगा धोलाबीरा हो जाएगा ठीक है लोथल की बात करेंगे लोथल में आपका दोहरे दफन के साथ मिले हैं मतलब जो डबल बरियल है यहाँ पर तो डबल बरियल के प्रमाण मिले हैं डबल बरियल या दोहरे दफन के क्या मिले हैं साथ से मिले हैं इसके साथ साथ में चावल की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं यानी कि जो चावल यानी कि जो राइस है तो राइस हस्क राइस हस्क यानी कि चावल की भूसी के साथ से प्राप्त हुए हैं और घोड़ा यानी कि हॉर्स की जो टेरा कोटा की मूर्ति है तो हॉर्स की जो टेरा कोटा की मूर्ति है उसके साथ से मिले हैं ठीक है थीके? और इसके अलावा जहाज का टेरा कोटा मॉडल मिला है पोर्ट मिला है यहाँ पर बंदरगाह प्राप्त हुआ है तो ये सब आपको लोथन प्राप्त हुआ जो कि गुजरात में ये साइड पाई जाती है ठीक है बात आगे बढ़ेंगे भाग नहीं पूछे जाएंगे ऐसा कुछ डिफाइड नहीं है तीन एरिया डिवाइडेड है इसमें और उसको कुछ नाम नहीं दिया गया बस ये है कि तीन पार्ट में डिवाइडेड है आपका ठीक है मुझे पता था सवाल आएगा बट भाग मुझे मिले नहीं ढूंढा मैंने बट इतना डिटेल मिला नहीं तो डिटेल फिर अगर मिला नहीं फिर ये पूछेंगे भी नहीं टेंशन ना लीजिए ठीक है बस इतना लिखा हुआ मिला मुझे दो तीन जगह पर कि तीन भागों में जो है ये पाए जाते हैं हाँ मुझे पता था आएगा बट टेंट टोंट वरी अबाउट इट ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा कुछ उसके डिमांड डिटेल मिल ही नहीं ज्यादा ठीक मुझे पता था आएगा आपकी तरफ से ये बट कोई नहीं गोल्ड एंड द प्लेटिनम तो इनमें से कौन सा द्रव सोने और प्लेटिनम जैसे धातु को घोल सकता है तो सोने सोने और प्लेटिनम जैसी धातु को घोल सकता है यानी कि मिल्ट मेटल जो है आपको क्या करेगा डिजोल्व कर देता है फॉर्मिक एसिड एक्वारेजिया एस्टिक एसिड या फिर आपका क्लोरोफॉर्म हम लोगों के बारे में हजारों सवाल कोई पढ़ाएगा कुछ ऐसा कर जाएंगे जिंदगी में तो पढ़ाएगा अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या ही पढ़ेगा और इंस्टाग्राम के रील देखते रहेंगे तो ऐसा तो क्या ही कोई पढ़ेगा तुम्हारे बारे में नहीं कुछ ऐसा करके आओ कतरदान कि हर गलीगुची से आबा जाए अब्बा जान अब्बा जान तो फिर कुछ पढ़ेगा भी लोग अब ऐसे इतने लोग मर रहे हैं इतनी आबादी क्या ही जान के रखेगा कोई ठीक है कुछ ऐसा करो ऐसा स्पेशल जो लोग पढ़े तुम्हारे बारे में नहीं ठीक है ठीक है तो कुछ ऐसा करो ठीक तो फिर तो मेरा नाम गूगल करोगे तो मिल जाऊंगा मैं ए पी एस से डालिए देखिए थोड़ा सा मिलेगा गूगल पे गूगल मिलेगा यूट्यूब मिलेगा हर जगह मिलेगा ठीक है तो चलो नाम तो अंकित हुआ इंटरनेट पे टीना यादव जी गुड आफ्टरनून सुबह क्लास में आप गायब थी मुझे लगता है छोले भटूरे खा रहे होंगे आप तो सुबह क्लास दो घंटे की कितनी बढ़िया क्लास थी आपने छोड़ दी आज ठीक है खैर तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सोने और प्लेटम जैसी धातुओं का घोल सकता है तो आपको पता होना चाहिए इसको एक्वारोजिया कहते हैं एक्वारोजिया यानी कि इसको हम लोग कहेंगे अमदराज कहते हैं तो इसी को हम लोग अमदराज के नाम से भी जानते हैं अम्लराज के नाम से इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं इसको बोलेंगे एक्वा रेजिया कहते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यहां से अब देखो एक्वा एक्वाजिया को पढ़ते हैं हम लोग अब थोड़ा सा थोड़ी -थोड़ी चीजें कुछ और देख लेते हैं जैसे कि अगर मैं एक्वा रेजिया की बात करूंगा तो एक्वा एक्वाजिया को इसको बोलते हैं किंग्स वाटर के नाम से भी जाना जाता है इसको हम किंग्स वाटर के नाम से जानते हैं ये नाम आपने पहली बार सुना होगा किंग्स वाटर इसको अम्लराज कहते हैं ये भी जानेंगे या इसको किंग्स वाटर कहते हैं अगर ये भी जानेंगे और ये नाइट्रिक एसिड का और किसका बेटा नाइट्रिक एसिड का और

याद रखेंगे तो इसका रेसो होता है वन रेसो थ्री इसे रेसो में रखा जाता है और याद रखेंगे इसका कहाँ कहाँ काम होता है ये भी याद रखेंगे तो यहाँ का काम कैसे होता है कि यहाँ पर ये जो होता है एक ये येलो ऑरेंज फिमिंग लिक्विड होता है मतलब अगर इक्याजा की बात करेंगे तो हल्का सा येलो ऑरेंज होता है मतलब हल्का सा पीला और नारंगी कलर का क्या होता है लिक्विड होता है राइट ठीक है तो वो आपका क्या होता है लिक्विड होता है इसकी बात करें तो और जो कि आपका गोल्ड प्लेटम से गंदगी निकालने के काम में आता है इसके अलावा एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो फेब्रिकेशन लैब्स वगैरह में यूज किया जाता है इसका एक्वारोजिया का अगर फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे फॉर्मिक एसिड मतलब इसको बोलेंगे चींटी तो चींटी के डंग में पाया जाता है चीटी चींटी जब भी मैं चींटी देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है खैर चींटी के डंक में पाया जाता है आपका यहाँ पर उसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड जिसको जो लाल चींटियाँ होती हैं लाल चींटियाँ तो लाल चींटियों के डंग में पाया जाता है लाल चीटियों के डंक में पाया जाता है बिंदास कौशिक आप नए हैं अच्छी बात है आपका स्वागत है ठीक है अद्यथि आपका स्वागत करते हैं आज डिफेंस के आंगन में धन्य हो गए नैन हमारे बिंदास के स्वागत में नहीं तो इसको नोट करेंगे और ये हो जाएगा बेनम रेड ऑफरेडांस यानी कि चींटी के डंकों पर आ जाता है लाल चींटी बहुत जगहों पर अगर आप जाओगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो यहाँ पर आप लोगों को चींटी के क्या बनते हैं बहुत सारे मतलब चटनी बना के खाते हैं लोग क्या बोलते हैं चटनी बना के खाते हैं तो चटनी भी बनती है इसकी चटनी तो लाल चीटी की चटनी बहुत कीमती होती है बहुत महंगी होती है लोग इसकी चटनी बना के खाते हैं ठीक है चीटियों की और यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी खट्टी होती एसिडिक होती है तो चटनी खाते हैं लोग यहाँ पर देखो तो होता क्या ना कि जब नॉर्थ ईस्ट साइड आप जाओगे तो वहां पर पानी वानी बरसता है पानी वानी खूब बरसता है और पानी बरसता है तो वहां पर बेम्बू बहुत हैं तो बांस की जड़ में देखा होगा आप लोगों ने बांस की जड़ें होती कभी कोई गया बांस के पेड़ के पास में आप में से कभी किसी ने बांस का जो पेड़ है वो देखा है पेड़ नहीं बोल देंगे उसको बांस का पूरी जो घास होती गुच्छा देखा कभी आप लोगों ने हा या ना बताइए देखा कि नहीं देखा जरा बताएं फटाक से तो इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा आपका ये कीड़े मकोड़े हैं जमीन में बताऊँ आपको हिंदी में भी है बेटा डोंट बरिया हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफेंस में इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में रखना पड़ेगा मैं हिंदी में लियाँगा अगली बार से अनुभव सिंह जी न होइए तो होता क्या है कि बांस वगैरह जो होते हैं उनकी जड़ों नीचे क्या होता है जो वहाँ पर बहुत चीटियाँ हो जाती हैं और पेड़ों के पत्तों में चीटियाँ हो जाती हैं तो पेड़ों बहुत चीटियाँ होती हैं तो उस एरिया में जब बरसात होती है बरसात के बाद आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है पानी बरसता है तो पानी बरसने के बाद चीटियाँ ज़्यादा निकलती नहीं तब गर्मी में निकलती सर्दियों में निकलती है बरसात निकलती हैं आपके घरों में आसपास में गाँव में वगैरह में जो चीटियाँ निकलती चीटें निकलते हैं कब निकलते हैं ये ये बरसात में निकलते हैं और सोचो वहाँ मौसम लगभग लगभग आपका बहुत टाइम तक ऐसा रहता है तो वहाँ पर क्या है कि पेड़ों वेड़ों पर डालों पर बहुत चीटियाँ जाती है मतलब इतनी मोटी मोटी तगड़ी चीटियाँ होती हैं ऐसी नहीं हमारे यहाँ

एंटीबैक्टीरियल होता है इसकी बात करें एंटी बैक्टीरिया जो होते हैं वो अब ऐसी आपकी होती है इसकी चटनी बात करेंगे इसके अलावा इसको यूज किया जाता है कहाँ पर रबड़ लेदर के प्रोडक्शन में यूज करते हैं रबड़ के प्रोडक्शन में यूज करते हैं और क्लीनिंग प्रोडक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है कि इसको फॉर्मिक एसिड या फिर बोलेंगे इसको चींटी में पाया जाने वाला एसिड ठीक है बारिश के टाइम वेरी गुड बारिश नेक्स्ट देखेंगे एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो एस्टिक एसिड जो है आपका सिरका में पाया जाता है तो सिरका में जो पाया जाएगा उसको एस्टिक एसिड कहते हैं इसका जो कॉमन नेम होता है वो उसको बोलेंगे एथोनाइक एसिड बोलते हैं तो एथुनैक एसिड इसका नाम हो जाएगा इसका फॉर्मले की बात करेंगे तो सी एस थ्री सी डबल ओ एच हो जाएगा ठीक है इसके साथ में इसके ग्रुप की बात करेंगे तो किस ग्रुप से जुड़े होते हैं ये एसिड ग्रुप से क्या होते हैं आपके जुड़े होते हैं और ये वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं जिनकी रेंज अगर पीएच की बात करेंगे तो पांच से आठ के बीच में क्या होती है इनकी पीएच होती है इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं खा पाते हैं इसके अगर बोलिंग पॉइंट की बात मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो दो सौ नब्बे के होता है ठीक है चलो भाई और इसका एक नाम और आता है जिसको बोलेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड तो ग्लेशियल एस्टिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है जिसको हम लोग एस्टिक एसिड कहते हैं ठीक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा शिवायजी नमस्कार खुश रहिए बेटा क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं क्लोरोफॉर्म जो है इसका जो फॉम्ला होता है उसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म या इसको हम बोलेंगे लो क्लोरोफार्माईक्लोरोमिथेन कहते हैं क्या कहते हैं इसको ट्राईक्लोरोमिथेन कहते हैं और ऑग्निक कंपाउंड हो जाएगा जिसका फॉर्मला हो जाएगा सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री हो जाता है इसका केमिकल फॉर्मूला ठीक है क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो कलरलेस होता है बोला लिक्विड होता है ये भी याद रखेंगे और इसके साथ साथ में याद रखेंगे कि ठीक है इसको सुंगा देंगे किसी को तो बेहोश हो जाता आदमी आपने देखा होगा मूवी वगैरह पिक्चर वगैरह में खासकर सी में और आ, कौन सा आता था नाटक आ, क्राइम पेट्रोल वगैरह में तो जो अपहरण करते हैं सुंगाते हैं घुमाल डाल के तो क्या सुंगाते हैं वो क्लोरोफॉर्म ही होता है उसको सुंगा देते आदमी बेहोश हो जाता है टप से टपक जाता है ठीक है टपके जैसा तो क्लोरोफॉर्म कहेंगे फिर आगे बढ़ते हैं कि पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए अब देखिए यही टॉपिक था आज कितना बढ़िया किया था हम लोगों ने कुछ लोगों ने क्लास छोड़ दी देयर बैड लक ठीक तो बताएं फटाक से यहाँ पर बेटा कि यहाँ पर पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए कितनी एज होनी चाहिए तो ये भी आपको बताया था तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा ये इक्कीस साल हो जाएगा पंचायत का पंचायत का सदस्य बनने के लिए पंचायत सदस्य बनने कितनी आयु चाहिए इक्कीस साल या अठारह साल तो इसकी उम्र चाहिए कितनी बेटा इक्कीस साल चाहिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए अठारह साल चाहिए होगी तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए होती है अठारह साल चाहिए होती है ठीक है क्लियर है चीज़ इसको बोलेंगे इक्कीस और बोलेंगे अठारह ठीक है पैंतीस साल तो छोड़ दीजिए अगला पॉइंट आता है कि सिंगल लीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होगा सिंगल लीला तो सिंगल लीला नेशनल पार्क लोकेटेड इन द दिख ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाँ, दस मिनट लगता है वो तुरंत बेहोश नहीं होता सही करो करवाई जी लेकिन पिक्चर है साहब वो हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे तो सिंगल लीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हो जाएगा पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र बिहार एंड द असम शिंगा लीला सिंगा लीला सिंगला राष्ट्रीय उद्यान जिंदी वेस्ट बंगाल इसमें पड़ेगा सिंगा लीला कुछ देखते हैं इसके बारे में चीजें अगर मैं सिंगालीला नेशनल पार्क की बात करता हूं तो सिंगा लीला नेशनल पार्क आपका पड़ेगा दार्जिलिंग जो एरिया है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है और दार्जिलिंग को भी आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया दार्जिलिंग को ए वी पॉइंट नोट करेंगे इसके साथ में सिंगालीला रिच की बात करेंगे तो एक जो नॉर्थ वेस्टर्न वेस्ट बंगाल पड़ेगा उसके नॉर्थ साउथ माउंटेन में पड़ती है सिंगालीला नेशनल पार्क जो है आपका हाई एल्टीट्यूड पार्क पड़ेगा यहाँ रखेंगे जिसको किसके साथ यहाँ पे वर्जिन रोडे रोडो रोडो, रोडो डेंड्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो रोडो डेंड्रोन फॉरेस्ट जो है आपके इसी जगह पे पाए जाते हैं जो पर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था उन्नीस में 1986 में और इसके साथ साथ में ये नेशनल पार्क बन जाएगा उन्नीस में नाइन्टीन में इसके अलावा इसके चार हाइस्ट पीक पाई जाती हैं इस सीरीज़ में जैसे कि पहली पीक हो जाएगी फलूत फलूत जो पीक है वो छत्तीस मीटर के आसपास पाई जाती है दूसरी इसकी पीक हो जाएगी उसको बोलेंगे संदकफू संदकफू तीन हजार छह सौ छत्तीस मीटर के आसपास पाई जाती है और इसके अलावा देखेंगे टोंगलू टोंगलू की बात करेंगे तो तीन हजार छत्तीस मीटर आ जाएगा और चौथी पीक आ जाती है जिसको बोलेंगे सबरग्राम जो तीन हजार पाँच सौ तैतालीस हो जाएगी और यहाँ की अगर देखें इस एरिया की जो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की जो सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है वेस्ट बंगाल की वो हो जाएगी आपकी कौन सी संदकफू संदकफू इज द हाइएस्ट पॉइंट इन द वेस्ट बंगाल तो सबसे मुझे जो चोटी पाई जाती है वो कौन सी हो जाएगी संदकफू हो जाएगी वेस्ट बंगाल में ठीक है बात आगे बढ़ेंगे चलिए फिर आगे आते हैं कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है मिजोरम सिक्किम मेघालय या फिर त्रिपुरा मिजोरम सिक्किम मेघालय या फिर त्रिपुरा में से किसकी सब जनसंख्या सबसे कम होगी जनसंख्या सबसे कम इसकी कहां पर होगी बताइए तो मिजोरम सिक्किम मेघालय या फिर त्रिपुरा आसान सा सवाल है ये तो ये तो सिक्किम हो जाएगा सिक्किम जनसंख्या सबसे कम है यूपी की जो है सबसे ज़्यादा है कुछ स्टेट देख लीजिए जैसे कि अगर आपसे पूछें कि यहाँ पर स्टेट में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो डेंसिटी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी बिहार की हो जाएगी हाईएस्ट आपका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की हो जाएगी लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की हो जाएगी हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा का है हाइएस्ट लिटरेसी रेट केरला का है लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है तो कुछ ऐसे सवाल आपके स्टेट से बनते हैं किस में सेंसस में सेंसस ठीक है यानी कि जनगणना में वेरी गुड जहां पे शादी कम होगा मतलब ये कैसा लॉजिक हुआ जहां पे शादी कम होगा वहां जनसंख्या कम होगी अरे ऐसा थोड़ी नहीं होता ज्योग्राफिकल रीजन होता है तुम शादी उलझे हुए हो ठीक है इसके अलावा ज्योग्राफिकल रीजन भी होते हैं भाई जनसंख्या बढ़ाने के लिए ठीक है वहां का मौसम कैसा है वहां का वेदर कैसा है वहां की जलवायु कैसी है वहां पर खाना पीना कैसा है लोग बिजी रहते हैं कि फ्री रहते हैं कैसा मतलब बहुत कुछ चीजें होती है वह पूर्व से बढ़ने के लिए सिर्फ शादी थोड़ी ना होती है यार कैसी बात कर रहे हो यार पिंध्याचल हटो आगे देखते हैं सत्रिया नामक एक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है किस क्षेत्र में किया जाएगा तो यहां से देखेंगे कि द दा क्लासिकल डांस फॉर्म नेम्ड सत्रिया इज परफॉर्म इन द विच रीजन ऑफ इंडिया उत्तर पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व में या फिर दक्षिण पूर्व में किस जगह पे किया जाएगा तो सत्रिया जो है आपको पता होना चाहिए कि असम का डांस हो जाएगा असम का मतलब है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम का हो जाएगा सस्त्रिया शास्त्रीय नृत्य किसका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा ठीक है इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा अगला सवाल मिलेगा कि शेख मोहनुद्दीन चिश्ती की बात करेंगे अच्छा कुछ रहेगा यहाँ पर लिख लो आप ये असम का सत्रिया हो जाएगा मैं लिखा देता हूँ तो असम का हो जाएगा सत्रिया सत्रिया लिख लीजिए और जो पूछे जाते हैं वो लिखा देता हूँ कथक जो है वो आपका यूपी हो जाएगा यूपी में कथक कली की बात करेंगे कथक कली एक कली मेरे में आए और कली का ठीक है आगे बढ़ते हैं भरतनाट्यम जो जाएगा, हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और क्या बचा आपका आ, भांगड़ा हो गया गिद्दा हो गया ये सब पंजाब में हो जाएंगे भांगड़ा गिद्धा। ये सब पंजाब में आ जाएंगे ठीक है लावणी जो है आपका वो आ जाएगा महाराष्ट्र में आ जाएगा इस तरीके से आपको याद करने है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका कि शेख मोनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है तो शेख मोहनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है वो किसके द्वारा लिखी गई है ऑप्शन आपके सामने है जहां आरा रहा मुमताज महल अकबर कहते हैं जहां आ बहुत खूबसूरत थी शाहजहाँ की साथ बेटी थी जहां आ और मुमताज महल जो थी शाहजहां की पत्नी हुआ करती थी अकबर जो थे शाहजहाँ के कौन हुआ करते थे दादाजी हुआ करते थे तो शाहजहाँ के दादा हो जाएंगे अकबर जी शाहजहाँ की बेटी हो जाएंगी जहां आरा रहा शाहजहां की पत्नी हो जाएंगी मुमताज महल और ये जो लिखी गई थी किसके द्वारा जहां आरा के द्वारा लिखी गई थी शेख मोहनिदिन चिश्ती की जीवनी अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा अगर जहारा बेगम साहिबा की बात करें तो जहारा बेगम साहिबा जो है शाहजहाँ और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी जो कही जाती हैं वो जाएंगी जहारा हो जाएंगी ठीक है इसके अलावा क्या था कि इनके भाई जो हुआ करते थे दारा सुखो आपको पता होगा दारा सुक् बहुत बड़े स्कॉलर थे जिन्होंने बहुत सारे उपनिषदों को क्या किया ट्रांसलेशन किया गीता का फारसी में जो अनुवाद किया वो भी किसने किया दारा दारासक्ू ने किया है तो ये एक्चुअली में इनके भाई दारा सुक्खू हुआ करते थे और दारा सुखू के साथ इनकी जो बहन थी जिनका नाम था जहारा तो ये शिष्य हुआ करते थे किसके मुल्ला मुल्ला शाह शाह बदक्षी बदक्षी अब देखिए अगर एग्जाम में डीप पूछेगा तो क्या पूछेगा ये पूछ सकता है कि जो शिष्य हुआ करते थे दारा सिखो किसके हुआ करते थे गीता का फारसी मनवाद तो पुराना हो गया और थोड़ा तो डिटेल में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे जहां जाना यहाँ जाएंगे तो दारासिको के साथ वो मुल्ला शाह बदक्षी की शिष्या हुआ करती थी तो यहाँ के अगर पूछा जाए कि दारा सिखों के गुरु कौन हुआ करते थे तो ध्यान दीजिएगा मुला शाह बदक्षी हुआ करते थे इसके साथ उन्होंने सोलह 1641 में क्या किया था उन्होंने यहाँ पर 1641 में कादरिया सूफी आदेश की क्या की थी दीक्षा दी थी जहां बेगम की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने जो मुल्ला शाह हुआ करते थे तो मुल्ला शाह ने उन्हें कादरिया में अपना उत्तराधिकारी नामित किया था ठीक है लेकिन उनके आदेश के नियमों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वहाँ पर उसमें मुस्लिम्स को इतना वुमेंस को नहीं दिया जाता था फिर उन्हें चिश्ती आदेश के संस्थापक जो चिश्ती आदेश के संस्थापक जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी जीवनी लिखी जिसका शीर्षक उन्होंने रखा था मुनीस अल मरवा मुनीस अल अरवा तो मुनीस अल अरबा इन्होंने क्या रखा था उसका टाइटल रखा था और इसके साथ साथ में यहाँ देखेंगे उन्होंने मुल्ला शाह की जीवनी इसका भी लिखी उन्होंने और इसका जो शीर्षक उसका नाम रखा है रिसलाह ए सहाविया तो रिसलाह ए सहाविया जो लिखा है वो भी उन्होंने मुला शाह की जीवनी लिखा है और उनमें उन्होंने दिक्षा के वर्णन भी उन्होंने किया ऐसा कुछ है यहाँ पर और निजामुद्दीन औलिया साहब की बात करेंगे तो ये फवैद अलफुद के लेखक माने जाते हैं सैयद मोहम्मद मुबारक अलविक जो है इनके द्वारा सियारुल औलिया लिखा गया है और दुर्गा कुली खान की बात करेंगे इन्होंने लिखा है मुराका ये दहली तो मुरक्का ये दिल्ली दुर्गा कुली ने लिखा है और शियार उद औलिया ठीक है सैयद मोहम्मद ने लिखा है और फवैद उल फुद ये लिखा है निजामुद्दीन औलिया ने लिखा है तो ये कुछ अच्छी किताबें हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ठीक है फिर इसके अलावा देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया दो हज़ार ग्यारह वाट इज द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन इंडिया तो भारत की जनगणना दो हजार ग्यारह के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है नाइन पॉइंट थ्री परसेंट एट पॉइंट सिक्स परसेंट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट या फिर ट्वेल्व पॉइंट 2% तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइबल इन इंडिया चलिए बताएं फटाक से अह दिल्ली पुलिस के मैं आप टेलीग्राम पे लाइव आऊंगा मैं आज तो उस पे बता दूंगा सिवाय करेसन आ जाएगा ठीक तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा तो यहाँ पर एस की बात की जा रही है यानी कि शेड्यूल ट्राइब की बात की जा रही है तो ये एट पॉइंट सिक्स परसेंट जनसंख्या पाई जाती है सबसे ज़्यादा जो स्टेट जहाँ पर आपका एस टी पाए जाते हैं तो वो हो जाएगी स्टेट जिसका नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश तो एम में सबसे ज़्यादा एस टी पाए जाते हैं और यूपी में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं एस सी पाए जाते हैं शेड्यूल कास्ट पाई जाती है यूपी में ठीक है तो ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे आप लोग नोट रखेंगे और यूपी में भी जो जिला हो जाएगा जिसका नाम है सीतापुर तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एस सी पाए जाएंगे सीतापुर में ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आता है अब देखें कुछ जानकारी देख लेते हैं अगर सेंसस की बात करें हम लोग तो अपने सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर सेंसस में कुछ चीज़ें दे रखी हैं जैसे कि अगर दो सेंसस की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब लगभग लगभग लग 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 हमारे यहाँ कितना हो जाएगा तो ये करीब करीब दस करोड़ के आसपास है दस करोड़ बयालीस लाख इक्यासी हज़ार चौंतीस तो दस करोड़ दस करोड़, दस करोड़, दस करोड़

बीस करोड़ तेरह लाख के आसपास देखेंगे तो एस कैटेगरी पाई जाती है जो कि सिक्सटीन के आसपास सोलह के आसपास यहाँ पे पाई जाएगी यहां पर हमारे पूरे देश में एस सी जो सबसे ज्यादा कहा पाए जाएंगे ये यूपी में पाए जाते हैं और यूपी में भी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम हो जाएगा सीतापुर तो सीतापुर में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे और अगर एस टी की बात करेंगे तो एस टी में आपका पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में ठीक है एम पी में पाए जाएंगे सबसे ज्यादा एस टी पाए जाते हैं इस जगह पर अच्छा यूपी में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर एस टी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जरा बताइए बताइए फटाक से ये बताना है कि आपका यूपी में कौन सा जिला है जहां पर एस टी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो जहां पर आपको जो जिले मिल रहे होंगे किससे वो जिले याद रखिए जो एम से मिल रहे हों वो जिले जो झारखंड से मिल रहे हों तो जो बॉर्डर वाले जिले पाए जाएंगे जो एमपी से मिल रहे होंगे जहां पर बन सबसे ज्यादा पाया जाएगा जहां पर खनिज पाए जाएंगे उस जिले में पाए जाएंगे तो सोनभद्र वाला जो एरिया है वेरी गुड तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा एस जो है पाए जाते हैं हमारे यूपी में पाए जाएंगे अच्छा दिल्ली जो आपका यूनियन टेरेटरी पर दिल्ली में कोई भी एस टी है अगर देखा जाए दिल्ली में एस नहीं है जबकि बहुत ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब वाले लोग जो हैं दिल्ली में रहते हैं लेकिन पॉइंट ये है कि जो दिल्ली के जो ओरिजिनल लोग हैं दिल्ली के जो लोग रहते हैं यहाँ का जो जिनके, जिनका जिनका बॉडी लिस्ट में नाम है उसमें एक भी एस नहीं है कोई एस नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं तो ये हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे अगर सेंसस की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंसस जो है आपको पता है दस साल में होता है हर बार में सेंसर सबसे पहले बात करेंगे तो आपको पता है कि अठारह सौ अठारह में एटीन में आंशिक रूप से कराया गया था सबसे पहले सेंसक लेकिन पूरा नहीं हो पाया था फिर उसके बाद 1881 में यानी कि 1881 में 1881 में पूरी तरीके तो से कराया गया है 1881 से और हर 10 साल में होता हुआ चला आ रहा है ठीक है बात इसके अलावा दो जागर सेंसस के अगर पूछा जाए कि इसके कौन कमिश्नर रजिस्ट्रार जनरल हुआ करते थे तो टू जो आखिरी वाला सेंसस हो जाएगा इसके रजिस्ट्रार जनरल हुआ करते थे मिस्टर सी चंद्रमौली तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सवाल में पूछा जाता है तो आपको दो चीजें पता चलिए आप लोगों को एस कि टी कितने, कितने हो जाएंगे आपके चलो ठीक है बताओ आगे बढ़ते हैं फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज उस्ताद अमजद अली खान प्ले तो उस्ताद अली खान कौन सा बजाते थे सहनाई, सितार, तबला, बताइए उस्ताद अमजद अली खान में से कौन सा यंत्र बजाते हैं यह बताना है आप लोगों को तो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डच उस्ताद अमजद अली खान प्ले सहनाई सितार तबला या फिर सरोद आसान सा है तो यहां पर जाएगा आपका क्या सरोद हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान बजाते हैं क्या सरोद बजाते हैं ये सरोद बजाएंगे ठीक है हो जाएगा सहना ही नहीं होगा सरोद होगा डी आंसर ठीक है काजल का और सबका क्या हो जाएगा से गलत हो जाएगा सहना सहनाई के लिए बिस्मिल्ला खान हो जाएंगे ना बिस्मिल्ला खान जो है वो सहनाई के लिए फेमस माने जाते हैं कैसी बात कर रहे हो भाई बिस्मिल्ला खान जो हो जाएंगे वो सहनाई बजाते हैं सहना की सदा कह रही है खुशी की तबला बात करेंगे जाकिर हुसैन हो जाएंगे जिनको अभी हाल ही में क्या मिला है पदम विभूषण मिला है तो पदम विभूषण जो मिला है वो किसको मिला है जाकिर हुसैन साहब को मिला है तबला बजाते हैं ये वाह ताज वाला जो एड आता था घरालेवाल वाले तो वो तब वो यही हो जाएंगे वो से वही सेम है जाकिर हुसैन साहब उनको मिला है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखेंगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी अगर मैं ट्वेंटी राजीव गांधी नेशनल आपका सद्भावना अवार्ड की बात करूँगा तो ये उनको मिला है याद रखेंगे इसके अलावा उन्नीस सौ पचहत्तर की बात करेंगे उन्होंने उन्नीस पचहत्तर इक इक्यानवे दो हज़ार एक में उन्होंने पदम श्री अवार्ड प्राप्त हुआ है पद्म भूषण अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है सरुद्ध आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता है सरुद की अगर बात करेंगे तो ठीक है इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्ला खान की बात करेंगे इनका इक्कीस मार्च उन्नीस सौ में जन्म हुआ था कहाँ के बिहार के रहने वाले हैं ये तो बिहार से बिलोंग करते हैं और सेनाई वादक माने जाएंगे बिस्मिल्ला खान तो बिस्मिल्ला खान आपके बिहार से थे वो सेनाई वादक हो जाएंगे ठीक है जो कि बारे में आपको बता रहा था उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कि ठीक है जाकिर हुसैन साहब आपके तबला से हो जाएंगे सितार की बात करेंगे तो हो जाएंगे आपके पंडित रविशंकर जी हो जाएंगे ऐसे करके आप कुछ नाम जो होंगे याद कर लीजिए ठीक नेक्स्ट पॉइंट अगला आता है कि इलेक्ट्रिक वेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विद्युत घंटी ज्योति निम्न से किसके प्रिंसिपल पर कार्य करती है किसके आपके आ, क्या बोलते हैं सिद्धांत पर कार्य करेगी पहला केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट धारा के रासायनिक प्रभाव पर ठीक है पहला हो जाएगा केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट धारा के रासायनिक प्रभाव पर दूसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट धारा के उसमें प्रभाव पर तीसरा ऑल ऑफ द एव उपरोक्त सभी और चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट तो विद्युत घंटी निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करती है ठीक है तो से देखेंगे हमारा जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है इस पर काम करेगी विद्युत घंटी ठीक है इसके चलो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेरी गुड तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शन बाई देंट्रल गमेंट इन द बजट दो हजार बाइस तो बजट दो हजार बाईस में द्वारा किस मंत्रालय को सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है तो बताए फटे यहाँ पर बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय को सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है रक्षा तो अच्छा मंत्रालय जिसको बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यहाँ पर जाएंगे उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक तो वितरण मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसके साथ साथ मत जाएगा आपका गृह मंत्रालय आप आपको, आपको ज्यादा समझदार है ज्यादा समझदार मत हुआ करो आज पार्टी नहीं है वो भैया थे वो क्या नाम है जो देखते हैं यहाँ पर स्टूडियोज वगैरह तो वो लेके आए थे कुछ सेब लेके आए थे मेरे लिए एप्पल्स लेके आए थे तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं तो वो इशारा था और कोई इशारा नहीं था तुम तो ज्यादा से सारा समझ जाते हो तो 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय को सबसे अधिक बया आवंटन हुआ था तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया था तो रक्षा मंत्रालय को सब्सान दिया गया था तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था काफ़ी ज्यादा न्यूज में आपको उसको बोला गया था कि बजट दे दिया गया डिफेंस को दे दिया गया क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे करके था ठीक है ऐसे नेक्स्ट देखें यहाँ पर कि अब देखो यहाँ पर दो हज़ार की अगर बात करें बजट की तो ये आपका बजट देख लो एक बार यहाँ पर तो इसको क्या बोला गया हंड्रेड ईयर जो है बोले गए कि आज़ादी के बाद आपका दो तक हम इसको अमृतकाल मनाएंगे तो अमृतकाल की बात करी गई अमृतकाल मतलब आज़ादी के सौ साल मनाए गए हैं तो सौ साल में हम देखेंगे कि क्या फोकस है क्या डेवलपमेंट है क्या नहीं है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो चार चीज़ों पर फोकस करना है सबसे पहले तो पी एम गतिशक्ति पर फोकस करना है इंक्लूजिव डेवलपमेंट पर फोकस करना है इसके साथ में आप देखेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन पर क्या करना है इसको इसमें हमें ध्यान देना है और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पर भी क्या देना है ध्यान देना है तो इसीलिए देखो लोन बोन अब थोड़ा सा आसानी से मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाते हैं दिन में दस कॉल आते हैं क्रेडिट कार्ड ले लीजिए तो ऐसा करके आपने देखा होगा यह चीज़ क्योंकि ऑलरेडी कहा गया कि पैसा दो लोगों को जब लोगों को पैसा दोगे तभी तो दो लोग पैसा खर्च करेंगे लोगों को पैसा है नहीं तो खर्च क्या करेंगे तो आराम से आप लोन दो कोई दिक्कत नहीं है सरकार ने पूरा बोल रखा है तो सरकार की नीतियाँ हैं क्या देना लोगों को लोन देना तभी तो लोग खर्च करेंगे सिंपल सी बात है लोगों को दे दो क्रेडिट कार्ड ठीक खर्चा करेंगे पर उसको भरेंगे आराम से बैठ के यही होता है ठीक क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस की कमी हो गई हर कोई जो है एक लिविस्ट लाइफ जीना चाहता है जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं तो कलवेलिया फोक सॉन्ग एंड द डांस फॉर्म्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ द कलवेलिया कम्युनिटीज ट्रेडिशनली वे ऑफ लाइफ इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कलवेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कलवेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली के अभिव्यक्ति हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होगा हरियाणा राजस्थान या फिर पंजाब महाराष्ट्र जय श्री राम जय श्रिया राम जय सिया ठीक है जय सिया राम जय श्रिया राम जय श्री राम ठीक है जय श्री राम बोलिए राम जैसा व्यक्तित्व तो अपने अंदर उतारिये भगवान महादेव के भक्त बनिए महादेव के जैसा व्यक्तित्व तो अपने अंदर लेके आइए तब तो माने कि भाई श्री राम के भक्त हैं ठीक तो कलवेलिया लोकगीत तो और नित्य रूप कलवेलिया समझा गया परमप्रीत जीवन शैली की अभिव्यक्ति हो जाएगी तो आपको हो जाएगा यहाँ पर कलवेलिया आयदे राजस्थान हो जाएगा यहाँ पर कलवेलिया आय राजस्थान अब देखो यहाँ से अगर कुछ ट्रैप की बात कुछ फोक डांस की बात कर लेते हैं जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में क्या होवे है हरियाणा में देखा जाए तो झूमर होवे है झूम झूम के फाग दाफ धमाल लूर गुग्गा खोर डांस समझिएगा तो यहाँ पर देखेंगे झूमर फाग दाफ धमाल लूर गुग्गा और खोर ये हो जाएगा आपका कौन सा हरियाणा हो जाएगा इसके साथ देखेंगे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मराठा में तो वहाँ पर लावणी की जाती है बहुत ही एनर्जेटिक डांस होता है मैंने देखा हुआ लावणी बिल्कुल आप वहाँ पर सामने से वेरी गुड डांस नकाटा होता है कोली होता है लेजिम होता है गाफा होता है और दहीकला होता है और दशावतार होता है ठीक है तो लावणी नकाता कोली लेजिम गाफा दहीकला और दशावतार ये सब आपके महाराष्ट्र में होते हैं और मुंबई में पता है जब आपका नवरात्रे होते हैं तो वहाँ पे पंडाल लगते हैं किसके डांडिया नाइट्स वगैरह होती है तो वो सातों आठों दिन लगता है मतलब बड़ा बढ़िया लगता है मुंबई बढ़िया डेढ़ सौ रुपये फीस होती है सौ डेढ़ सौ रुपये फीस होती है आराम से जाइए आराम से डांडिया खेल के आइए लेकिन देख लीजिएगा कोई खेलना चाह रहा है आपके साथ कि नहीं ठीक है खैर पंजाब की बात करते हैं पंजाब में क्या होता है पंजाब में आपका भांगड़ा होता है गिद्धा होता है भांगड़ा किया जाता है मेल के द्वारा किया जाता है गिद्धा फीमेल करती हैं कलरफुल कपड़े पहन के दाफ किया जाता है दाफ तो दाफ आपका यहाँ पे होगा धमन होता है भांड होता है तो भांड नृत्य जो होता है तो भांड नृत्य जो है पंजाब में होता है ठीक है उसको बोलेंगे भांड इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे राजस्थान में घूमर होगा छकरी होगा गंगना गौर होता है झूलन होता है लीला होती है झूमा होता है सुसनी होता है और घपाल होता है तो ये सब हो जाएंगे डांस कहा के राजस्थान को हो जाएंगे नेक्स्ट आपका आता है बेटा कि कुछ शास्त्रीय नृत्य है जैसे कि जिसको क्लासिकल डांस कहेंगे अगर मैं क्लासिकल डांस की बात करता हूँ ये वी टॉक अबाउट क्लासिकल डांस तो क्लासिकल डांस में क्या हो जाएगा जैसे भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर तमिलनाडु का है कथक उत्तर प्रदेश का है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है उड़ीसी उड़ीसा का है कथक कली जो है केरल का है शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कहाँ का हो जाएगा ये असम का हो जाएगा मणिपुरी का कौन सा मणिपुर हो जाएगा और मोहनीअट्टम जो है केरला का हो जाएगा इस तरीके से ठीक है अनुभव क्लास में है कि नहीं अनुभव गए अनुभव हिंदी वाले अच्छा हिंदी में नहीं है आज हिंदी में है तो देखो ना कितना हिंदी में सब में रहता है ना दोनों बच्चों को मुझे देखना पड़ेगा हिंदी भी इंग्लिश भी अनुभव है कि नहीं है चले गए बुरा मान गए हिंदी नहीं लेके आए सर ठीक है हैं कि गए एक तो उसकी कमेंट बहुत स्लो चलती है मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई कमेंट इसकी तीस सेकेंड का डिले आ रहा है इसमें और ये इसको पता नहीं क्या दिक्कत है जब डिले आता है तीस सेकेंड का तो क्लास की कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है तो पता नहीं क्या मैं उसको आज फिर रिपोर्ट करता हूँ ठीक है चलिए डांडिया देखें सर ओके गए चले गए देखो कैसा रहता है तो इतना ज़्यादा अगर इम्पेसेंट रहेंगे जिंदगी में तो कैसे काम चलेगा थोड़ा रुको जरा सब्र करो हाँ ठीक अगला पॉइंट आता है कि मेगस्तनीज बहुत एम्बेसडर हो मेगस्तनीज किसका राजदूत हुआ करता था सेलुकस का सिकंदर का डोरियस का या फिर आपका द ग्रीक यानी कि यूनानियों का तो मेगस्तीनीज की बात करेंगे तो मैगस्तीनीज यहाँ पे किसका अम्बेसडर हुआ करता था किसका राजदूत था ये बताना तो आपको सबको पता है कि मेगेस्नीज को भेजा था सेलुकस निकेटन ने भेजा था और सेलुकस निकेटन ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था इन्होंने ठीक है और इसके अलावा देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी है इंडिका जिसमें मौर्य वंश के बारे में बताया है मौर्य के बारे में बताया गया है तो सिल्कस हो जाएगा यहाँ पर ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा आपका सिल्कस चलो भाई अब देखेंगे थोड़ा सा देखते हैं मैगस्तीनीज और सिल्कस के बारे में तो मेगस्थनीज इंडिका नामक पुस्तक को विस्तार से लिखा है मौर्य के बारे में लिखा है अच्छी बात है ठीक उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इन्होंने इंडिका को जो है मतलब मौर्य प्रशासन सामाजिक वर्ग आर्थिक गतिविधियों पर बहुमत जानकारी प्रदान करी है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को सात वर्गों में विभाजित किया है ये आप चेक करिएगा जाके नेट पे कि कौन से वो सात वर्ग हो जाएंगे जिन्होंने मेगस्तीनी से विभाजित किया चार वर्ग में नहीं इन्होंने उसको सात वर्ग में विभाजित किया है ठीक है इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर ठीक है चलिए सिकंदर की बात करेंगे सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय हुआ करता था तीन ईसा पूर्व उसने काबुल पर विजय प्राप्त करी और वो बिना सुरक्षा के खैबर दर्ज से होते हुए भारत पहुंचा और 326 ईसा पूर्व में अटाक के पास सरहिंद में जा पहुंचा तस्िल्ह का शासक अम्बी सिकंदर को सौंप दिया गया और बितस्ता जिसको झेलम बितस्ता पहले बोलते थे झेलम नदी को जिसके किनारे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ है जिसमें सिकंदर ने पोरस को हराया ये भी याद रखेंगे डेरियस वन साइरस का पौत्र हुआ करता था जिसने उत्तर पश्चिम भारत पाँच सौ सोलह ईसा पूर्व पर आक्रमण किया पंजाब सिंधु और सिंध के पश्चिम में कब्जा कर लिया था डेरियस प्रथम साइरस ने ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि द द दुरंत कप संतोष ट्रॉफी एंड द रोबर्स कप आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो दुरंत कप संतोष ट्रॉफी और रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है हॉकी क्रिकेट फुटबॉल या फिर बैडमिंटन चलिए बताएं ठीक है संतोष से मुझे याद आया संतोष एक मेरा फ्रेंड है आज उसने भी बुलाया हुआ है उसके घर पे कुछ कोई बर्थडे पार्टी है वहाँ भी जाना है और एक मेरा फ्रेंड है कॉलेज का उसने बुलाया हुआ बर्थडे पार्टी में अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी पार्टी में जाऊँ ठीक है पहले बैनू पूछूंगा भैनू कौन सा है फिर बैनू के हिसाब से जाऊँ <laughs> या तो सोच रहा हूँ कि पहले एक जगह निपटा लें फिर दूसरे का दूसरे निपटा लें ऐसा भी कर सकते हैं देखते हैं दो दो पार्टियाँ मिल गई आज चलो ये यही फ़ायदा इधर दिल्ली नोएडा में रहने का मुंबई में होते मुंबई में अकेले पड़े हुए हो कौन जाने वाला है वहाँ पे कोई नहीं सारे लोग तेरह सौ पंद्रह सौ किलोमीटर दूर हैं अब यहाँ पे जो है ऐसे ऐसा मिलती रहेंगी पार्टियाँ आप ठीक क्योंकि मेरा आधा कॉलेज तो देरी है दिल्ली में नोएडा में गुड़गांव खासकर गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है सारे तो इंजीनियर हैं कुछ गुड़गांव में हैं ठीक है चलो बताओ संतोष ट्रॉफी हो जाएगी बेटा ये दुरंत कप संतोष ट्रॉफी और रोबो से हो जाएंगे फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे फुटबॉल 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 ठीक अब देखते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि अगर मैं हॉकी की बात करता हूँ कौन कौन से कप हो जाएंगे जैसे कि हॉकी में देखेंगे आप आगा खान कप राइट तो आगा खान कप हो जाएगा आगा खान कप ध्यानचंद ट्रॉफ़ी सुल्तान अजलान शाह कप रंगा सम रंगा स्वामी कप तो यह जाएगा आपका हॉकी हो जाएगा फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो दुरंत कप होगा रोबर्स कप होगा संतोष ट्रॉफी हो जाएगी बेगम हजरत महल ट्रॉफी नेहरू कप ये सब किस में आ जाएंगे फुटबॉल में आ जाएंगे क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में कौन हो जाएगा देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में हो जाएगी दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में हो जाएगी ईरानी कप क्रिकेट में हो जाएगा रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में हो जाएगी विजय हजारे ट्रॉफी भी कहाँ हो जाएगी आपकी क्रिकेट में हो जाती है बैडमिंटन की बात करेंगे तो बैडमिंटन में हो जाएगा आपका अग्रवाल कप है चड्ढा कप है हाँ चड्ढा कप है और चड्ढा चड्ढा तो चड्ढा कप है हरीलेला कप है इसके अलावा थॉमस कप है जो मैन में किया जाता है और ऊबर कप है जो वुमेंस के लिए हो जाएगा तो किसको कि बैडमिंटन के कप हो जाए ठीक है बढ़िया हम आ जाने से पार्टी आ जाओ बेटा अमित शाह जाओ चलो लेके चलते हैं तुमको पार्टी कराने आ जाओ आ जाओ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं इन्वाइटेड हो बोल देंगे मेरा दोस्त है साथ में आया हुआ है ठीक है चलो तो हो जाएगा आपका ये चार चीज़ें हो जाएंगी इसको नोट करेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट आता है कि अगर तुरंत कप की बात करेंगे थोड़ा जान लेते हैं इन कपों के बारे में जो आपके कप क्वेश्चन में दिए गए हैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी तुरंत कप की बात करेंगे सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट माना जाता है अठारह में एनाडेल शिमला में आयोजित किया गया था इसको दुरंत कप को ठीक है दुरंध आपकी लाइन भी है दुरंत जो रेखा है वो आपको इंडिया अफगानिस्तान को बांटती थी लेकिन अभी जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान को बांटती है ठीक है इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पर कि इसकी जो सह मेजबानी है वो आपका डोरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी जिसको डी कहते हैं इसके द्वारा की जाती है और ये टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है जिसको दुरंत कप बोलेंगे और रोबर्स कप की बात करेंगे तो रोबर्स कप जो है आपका भारत में एक वार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट था ये भारत में दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट था अठारह में मुंबई महाराष्ट्र में कुछ ब्रिटिश फुटबॉलरों ने इसको शुरू किया था ठीक है संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे ये भी फुटबॉल टूर्नामेंट है उन्नीस से आयोजित हो रहा है और ठीक है तो यहाँ पर किसके नाम पर रखा गया है? संतोष तो एक्चुअली में यहाँ पर आप देखेंगे कि महाराजा सर मनमत नाम राय चौधरी के नाम पर रखा गया है संतोष ट्रॉफी ध्यान से समझिएगा ये याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर जो जाएंगे महाराजा सर मनमत नाथ रॉय चौधरी जी के नाम पर रखा गया है इस ट्रॉफी का नाम ठीक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो द डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन द विच ऑफ़ द फॉलोइंग साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कहा जिसको गोदीवाड़ा कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था चौदहड़ो लोथल कालीबंगन या फिर बनावली किस जगह पर पाया जाएगा इसकी बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था चौदहड़ो लोथल कालीबंगा या फिर बनवली द डोकार्ड आसान से सवाल डोकय आपको लोथल मिला है मैं बता चुका हूं ज्यादा नहीं बताऊंगा चौदड़ो से याद रखेंगे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पच्चिम तो यहाँ पे कुत्ता क्या कर रहा है डॉग पीछा कर रहा है किसका बिल्ली का तो बिल्ली का पीछा कौन करेगा कुत्ता करेगा वो बात है कुत्ते का पीछा कौन करेगा कोई नहीं करेगा तो बिल्ली का बिल्ली का जो पीछा करते हुए कुत्ते के पच्चीन जो प्राप्त हुए हैं वो चौदड़ों से मिले हैं कालीबंगन से आपको पता है ये कालीबंगन से आपको जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है तो जुता हुआ खेत हुआ है हल हुआ है तो जुता हुआ खेत या फिर हल्की अगर बात करेंगे तो आपको वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये कि आपको कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं बनावली की बात करेंगे तो बनावली जो है आपका यहाँ पर सरस्वती नदी किनारे पाया जाएगा बनावली ठीक है अगला पॉइंट अगला आता है बेटा कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है द धमेक स्तूप लोकेटेड धमेक आपका पावापुरी में है या फिर बोधगया में है सारनाथ वाराणसी में है या फिर सांची रायसेन में कहाँ पर पाया जाएगा धमेक स्तूप धमेक स्तूप की बात करेंगे तो पाया गया कहाँ पर ये सारनाथ वाराणसी में है सारनाथ वाराणसी में पाया गया आपका कौन सा धमेक स्तूप ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे धमेक स्तूप इसको अगर देखेंगे तो हिरण उद्यान धमेक स्तूप ठीक है और ऋषि पट्टन का क्या हो जाएगा प्रतीक माना जाता है और इसका जो काफ़ी महत्व माना गया है किसका आपका धमेक स्तूप का ठीक है तो अगर आपसे बोलें तो इन्होंने क्यों ऐसा माना जाता है याद रखेंगे तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त जब किया था कहाँ पर बोध गया में तो जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था तो इन्होंने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था सारनाथ में तो सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था तो ये उपदेश उन्होंने यहीं दिया था यही धम्मे जो जो आपका उस्तू, स्तूप है इसी के बारे में बताता है और उन्होंने जो एट फोल्ड पाथ के बारे में बताया था तो एट फोल्ड पाथ बताया था किसके लिए मोक्ष के लिए कि भाई जो है ये मत करो वो मत करो बुरा मत करो ऐसा मत करो तो ये सब चीज़ें जो हैं और कभी कभार जब माइंड बहुत पजल्ड हो ना मतलब एक चीज़ सीखी है मैंने इंग्लिश में बोली एक बार कुमार कभी चलिए तो यहां पे देखेंगे एट फोल्ड पाथ की बात करेंगे सो so, सो so, हिरण उद्यान धमक स्तूप इज द सिंबल ऑफ द ऋषि पट्टन एंड हाँ द एलाइटमेंट ऑफ बुद्धा इज इन द बोध गया आफ्टर दैट ही गेव द फर्स्ट सम मन एट द सारनाथ राइट और इन्होंने एट फोल्ड पाथ के बारे में यहाँ पे बताया और अगर बात करें यहां पर इसको विशाल धमे स्तूप ठीक है जैसे सारनाथ बुद्ध के नाम से जाना जाता है ये उत्तर प्रदेश राज्य वाराणसी से वाराणसी में पाया जाता है आपका इसको बोलेंगे ठीक है तो ऐसे नोट करेंगे और यहाँ पर देखो अब स्तूपों में क्या है याद रखेंगे स्तूपों में याद रखेंगे कैल हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े और बुद्ध उनके अन्याओं के अन्य अवशेष पाए जाते हैं तो स्तूपों में मिलते हैं बुद्धा के अवशेष मिलते हैं चैत्य क्या होते हैं चैत्य होते हैं जहां पर बोलो क्या करते थे पूजा पाठ किया करते थे दैट वॉज कॉल्ड द चैत्य ठीक है अच्छा हवी भी बोल रहे हैं अच्छा दैट वॉज चैत्य तो चैत्य क्या हो जाएगा आपका वो वहां पर पूजा पाठ किया जाते थे बिहार जो होता था बिहार रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था दैट वॉज बिहार ठीक आगे बढ़ते हैं यहां पर वो अपने आप निकलता है ऐसे नहीं निकलेगा कुछ चीजें अपने आप निकलती हैं कुछ चीजें जो है चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस इंडियन सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये बताना है चलो भाई फटाक से बताओ जल्दी से चलो बताओ फटाक से तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है तो यहाँ से जाएगा आपका आर्टिकल उन्नीस वन का जो डी है तो नाइनटीन बन की अगर डी की बात करेंगे तो हमको ये घूमने फिरने की क्या देता है आज़ादी देता है ठीक है अनुच्छेद उन्नीस एक डी ये हमको आजादी देगा घूमने फिरने की ठीक है अच्छा बहुत अच्छा लगता है रुकिये? अच्छा लगता है बोलेंगे थोड़ी देर में रुकिए ठीक तो अब पॉइंट देखते हैं यहाँ पर देखेंगे अब देखिए जैसे आर्टिकल नाइन्टी की बात करेंगे तो इफ़ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल नाइन्टी राइट इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नाइनटीन कंथेंस द सेवन राइट्स राइट तो आर्टिकल नाइनटीन में कितने होते हैं आपके सेवन राइट्स होते हैं कंथेंस द सेवन राइट्स सात राइट्स होंगे इसमें आपका एक चीज़ और याद रखेंगे कि यहाँ पर पहले एक राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था जिसको नाइनटीन वन एफ कहते हैं तो नाइनटीन वन एफ़ में जो है राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था बाद में इसको हटा दिया गया था और हटाने के बाद जो है याद रखेंगे इसको एक और आर्टिकल थर्टी वन भी था तो आर्टिकल थर्टी वन और आर्टिकल नाइनटीन वन एफ क्या प्रोवाइड करता था हम लोगों को द आर्टिकल नाइनटीन वन एफ इज प्रोवाइड द राइट टू प्रॉपर्टी एंड दैट वॉज अबोलिस इन दोर्टी फोर अमेंडमेंट इन नाइनटीन सेवनटी एट राइट और उसको लगा दिया गया कि लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए के तहत ठीक है तो आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए के तहत इसको आर्टिकल बना दिया गया था लीगल राइट इसको बनाया गया लीगल राइट इसको देखेंगे और अगर मैं नाइनटीन की बात करता हूँ तो नाइनटीन हमारा जो आर्टिकल है वो हमें छह तरीके की क्या देता है आपको स्वतंत्रता देता है फ्रीडम देता है सिक्स टाइप की फ्रीडम देगा जिसमें आपका पहला हो जाएगा आपका तो इसको देखेंगे यहाँ पर टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन ए असेंबल पीसफुली इन द विदाउट आर्म्स बी एसोसिएशन यूनियन बनाने की स्वतंत्रता सी टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरेटरी इंडिया डी टू रिसाइड एंड द सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरेटरी ऑफ इंडिया एफ द राइट टू एक्वायर होल्ड एंड द डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ऑमिटेड बाय द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और द बिजनेस ये सब आपको दिया गया कि इसमें यहाँ पर ये वाला हटा दिया गया तो ये प्रॉपर्टी वाला जो है इसको हटा दिया गया है इसको तो अब छह तरीके की स्वतंत्रता है तो इसमें पहले कितनी हुआ करती थी सात तरीके की स्वतंत्रता हुआ करती थी और फंडामेंटल राइट right भी कितने हुआ करते थे सात हुआ करते थे तो इसको हटा के ये हटा के फिर कितने हो गए फिर छह हो गए कितने हो गए सिक्स हो गए इसको याद रखेंगे क्लियर चीज़ आगे बढ़ेंगे तो ये आपका दोनों आर्टिकल आपको क्या करने है? याद हैं याद रखने हैं ठीक अगला पॉइंट देखते हैं द विच वॉज ट्रांसलेटेड टू परसन एज द रजमामा बताए चलो किसको फारसी में रजुनामा के रूप में अनुवादित किया गया रजमुनामा मतलब हो जाएगा आपका महाभारत किया गया तो महाभारत को जो अनुवाद जो अनुवादित है ट्रांसलेट किया गया उसको बोलेंगे क्या रजमुनामा कहते हैं किसने किया अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो अनुवाद किया वो किसने किया अगर आपसे पूछा जाए तो तो यहाँ पर आप दो तीन चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर ठीक है बताएं फटाक से किसने इसका अनुवाद किया जरा बताइए फटाक से बेटा चलिए किसको फारसी में रजमनामा के रूप में अनुवादित किया गया था अर्थशास्त्र रामायण महाभारत ऋग्वेद तो जागान कौन सा आपका क्लास चल रही है भाई <laughs> अबे यार तुम कैसी कैसी बात कर देते यार तुम लोग ठीक है जो कुछ भी हो आपकी आवाज बहुत शांति देती है <laughs> तो आपकी बीवी तो आपकी दीवानी होगी भाई बीवी नहीं है यार बीवी हो तब अपना बीवी है नहीं दीवानी क्या होगी अबे भाई तुम लोग ठीक है।, है मतलब चलो आगे बढ़े गर्लफ्रेंड भी नहीं है भाई वो भी वो भी नहीं है कुछ नहीं है ऐसा ऐसे ही सब चल रहा है चलो महाभारत की बात करते हैं यहाँ पर तो फांसी में रजनामा के रूप में अनुवादित किया गया है तो महाभारत हो जाएगा और उसको अनुवादित करने वाले कौन थे किससे उसको किस अनुवादित किया था ये बताना आपको तो कौन हो जाएंगे आपके बताइए बताए नहीं बहुत बढ़िया ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इधर ठीक अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ से बेटा कि अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली किससे संबंधित थी तो दहसाला प्रणाली की बात करेंगे यहाँ से कि दहसाला सिस्टम हुआ करता था दहसाला किससे संबंधित था यह बताना आप लोगों को ठीक है चलो बताओ फटाक से जल्दी से चलो अकबर के प्रशासन के तहत दशाला प्रणाली किससे संबंधित थी डिप्लोमेटिक मिशन लैंड रेवेन्यू सिस्टम एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट स्टोन्स या फिर आप देखेंगे बेटा आपका कल्चरल मीट की बात करेंगे तो किससे संबंधित था चार सौ पॉइंट बात करते हैं तो अकबर के प्रशासन के तहत दहशहला प्रणाली किससे संबंधित थी तो उसको बोलेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम जिसको बोलेंगे भूमि राजस्व प्रणाली हो था क्या कि अकबर के जो लैंड रिफॉर्म के जो जो, जो जनक माने जाते हैं वो उनका नाम हो जाएगा टोडरमल तो ये हो जाएगा आपका टोडरमल हो जाएगा इसकी बात करेंगे टोडरमल टोडरमल हो जाएगा इन्होंने एक सिस्टम निकाला था कि कोई भी जमीन होती थी उसको क्या किया जाता था पहले एस किया जाता था और एस करने के बाद दस साल की बात करेंगे तो दस साल जो है आपका दस साल के लिए उसको दिया जाता था और वहां पर इन्होंने तीन पार्ट में जमीन को रख रखा था कि तीन पार्ट में डिवाइड किया था ठीक है याद रखेंगे तीन पार्ट में डिवाइड किया था तो तीन पार्ट के डिवाइड करेंगे तो पहला इनकी बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन हुआ करती थी उपजाऊ जमीन थी फिर एक बीच में मीडियम जमीन हुआ करती थी और इन पे इनकी उपज के आधार पर ही क्या किया करते थे इनकी इनकी उपज के आधार पर इन पे क्या लगा करते थे इन पे जो है टैक्स लगाया करता था ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है चलिए जिसकी कहावत है कि अगर जिसकी उम्र अठारह पैंतीस साल है अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो सिर्फ क्या है तो वो सिर्फ़ जन जनगणना के लिए है हाँ तो गुस्सो सही बात है वो क्या जनगणना के लिए है ही यार वो क्या सही बात है अठारह से पैंतीस साल की उम्र को गर्लफ्रेंड नहीं होना तो जनगणना के लिए है सिंपल सी बात है भाई ठीक नहीं बाई चांस नहीं है बाई चॉइस बाई जो भी है ऐसा बाई चॉइस है दिस इज़ नॉट बाई चांस ये बाई चॉइस है ठीक है तो ये था चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट अगला आता है कि निम्नकृत में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उससे भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी सो हु अमंग द फॉलोइंग फोलोइंगज द कमांडर ऑफ द मोहम्मद गौरी एंड ऑल्सो फाउंडेड द दिलीप डाइस्टी इन इंडिया तो कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसे जो है भारत में ठीक है तो अब सेनापति था और उसे भारत में गुलाम की स्थापना भी की थी इतुतमिस या फिर बोलेंगे ग्यासुद्दीन बलवन आराम शाह द्वितीय या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है चलो बताएं बताए अंग द फॉलोइंग वाज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी एंड आल्सो फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया तो उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी बताएं फटाक से तो हो हो जाएगा जाएगा आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक करी थी और इसको पता होगा आप लोगों ने इसने जो है इस्लाम की बात करेंगे तो कुबुत इस्लाम की अगर बात करते हैं तो कुबुतुल इस्लाम जो है उसकी स्थापना करी थी जो पहली मस्जिद कही जाती है फर्स्ट मॉस्को कही जाती है फर्स्ट मॉस्को कही जाती है ठीक है इसके अलावा देखेंगे थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट जो है आपका वो क्या आ जाएगा थर्ड पॉइंट जो आता है आपका आ, क्या नाम है आपका उसको बोलेंगे आ, आपको पता है कि, आ, क्या नाम है आपका कुतुब मीनार तो कुतुब मीनार का इन्होंने क्या किया था निर्माण किया था कुतुब मीनार तो मुझे भुला रहे हो कभी मुझे भटका रहे हो रास्ते से ठीक है थर्ड पॉइंट की बात करेंगे इन्होंने सिर्फ पहली मंजिल बनाई थी और बेचारा जो है घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई थी चौगान खेलते हुए तो चौगान खेलते हुए घोड़े से क्या हो गई थी इसकी मौत हो गई थी ठीक है भाई कौन था ये कभी ठीक है तो मुझे भुला रहे हो बता रहे हैं ठीक आगे बढ़ते हैं ये सब मजे ले रहे है भाई मैंने सही बता रहा ये दुनिया मजे ले रही है तुम भी मजे ले रहे हो ये ऐसे थोड़ी नहीं चलता है भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बेटा कि व्हाट वाज़ द मेन रीजन फॉर द कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी 1922 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था ठीक है तो 1922 में गांधी जी ने जो किया था आपका बंद किया था आपका कौन सा याद रखेंगे आंदोलन बंद किया था आपको पता है कि 1919 में 1919 में तो 1919 में चली थी खिलाफत कमेटी तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था खिलाफत मूवमेंट हो जाएगा आपका उन्नीस सौ उन्नीस हो जाएगा उसके बाद उन्नीस के बाद में आपको पता होना चाहिए उन्नीस की बात करेंगे या उन्नीस सौ बाईस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था उसको वापस लिया था इन्होंने 1922 में क्यों क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था और चौरी चौरा घटना जो हुई थी आपकी वो गोरखपुर में हुई थी गोरखपुर में जहाँ पर तेईस पुलिस वाले जो है मारे गए थे तेईस पुलिस वाले मारे गए थे भीड़ ने मॉब ने मार दिए थे यहाँ पर तो इस वजह से गांधी जी ने क्या किया था अहिंसा की वजह से उसको वापस ले लिया था यहाँ पर जाएगा आपका कौन सा ठीक है चलो उसको उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन की भीड़ ने आके हवाले कर दिया था इस वजह से उन्हें वापस ले लिया था और उसी के बजे बाद में 1923 में 1923 में यहां पर स्वराज पार्टी गठन हुआ था तो स्वराज पार्टी बनी थी यहां पर स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा और मोतीलाल नेहरू ठीक है सी आर दास ये दो लोग हुआ करते थे ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया अगला क्वेश्चन क्या आता है बेटा नोट करेंगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी तो कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हुई थी, थी आपकी किस में ये बताना है चलो कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हुई थी, थी ये बताना है। आप लोगों को जल्दी से आंसर दीजिए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई तो आपको पता होना चाहिए उन्नीस तो ये था आपका 1907 1907 इसके नोट करेंगे यहां पर ठीक है और यहां पर कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था नरम दल और गरम दल विभाजित हो गया था नरम दल और करमधल विभाजित हुआ था इसकी बात करेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पर कि विच लॉ ऑफ द फिजिक्स स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस रेड्यूस टू अ क्वार्टर ऑफ इट्स फॉमर वैल्यू वेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड भौतिक कौन, -कौन सा नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल अपने पूर्व मान को एक चौथाई कम कर देता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो अब बस बात है कि एफ एच क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर अब इसको अगर दोगुना कर देंगे तो टू आर स्क्वायर हो जाएगा यानी कि फोर आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में तो ऑब्वियस बात है वन बाई फोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा उनके बीच की दूरी को अगर दोगुना कर देंगे तो आर को अगर टू कर देंगे तो एक ऑन कहता है लॉ हुक्स लॉ पॉस्कल या फिर स्टेपल स्लो तो ऑब्वियस बात है ये कुलम लॉ हो जाएगा दिस इज कॉल्ड द कुलम लॉ तो ये कुलम स्लॉ ही था तो कुलम स्लो इसके बारे में बात करेगा नेक्स्ट आता है कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की जो अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का कारण बने थे तो एक्चुअली में यहाँ पर जो जो राइफलें थी उनका नाम था आपका एनफील्ड बंदूकें हुआ कर करनी थी <coughs> इसकी शुरुआत की गई थी और यह अठारह सौ सत्तावन की क्रांति का क्या बना था कारण बना था इसको नोट करेंगे क्रांति और इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत की थी वो हैनरी हार्डिंगे ने की थी सो ए आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा ठीक है अगला पॉइंट आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड थर्ड हाइएस्ट माउंटेन दैट कनेक्ट द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड द नेपाल नंगा पर्वत ब्रॉड ब्रॉडपीक केटू या फिर कंचनजंगा ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है नंगा पर्वत ब्रॉड ब्रॉडपीक केटू या फिर कंचनजंगा तो तीसरा सबसे जो दूसरा तो के टू हो जाएगा तीसरा आपका कौन सा जाएगा? हो जाएगा ये कंचनजंगा हो जाएगा ठीक है पहला कौन सा हो जाएगा आपका ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो जाएगा और पहले कौन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा तो माउंट एवरेस्ट आपका पहले पे हिमालय की पीक में लेकिन इंडिया में है नहीं ये नेपाल में है ये भी आपका विवादित क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन जो तीसरी चोटी सबसे हो जाएगी वो कंचनजंगा और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है राइट तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो मानी जाएगी ऊंची चोटी, चोटी भारत की मानी जाएगी कौन सी कंचनजंगा ठीक है बात आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स अंडमान एंड द निकोबार कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को अलग करता है तो कौन सा आपका जो देखेंगे कौन सा आपका ये जो जल निकाय है अंडमान निकोबार को अलग करेगा ठीक है सरकास्टिक वाली स्माइल चलो भाई बताओ अगर बात करेंगे यहां पर तो ये बताना आप लोगों को कौन सा जल निकाय अंडमान निकोबार को क्या करेगा यहां पर यहां पर अलग करता है मन्नार की खाड़ी दस डिग्री चैनल ग्यारह डिग्री चैनल पाक जड़ पाक स्टेट इनमें से क्या होगा इसका राइट आंसर तो यहाँ पर जाएगा बेटा आपका टेन डिग्री चैनल हो जाएगा जो कि अंडमान निकोबार को अलग करता है पाक स्टेट तो आपको पता है भारत श्रीलंका को अलग करेगा तो भारत भारत और जो श्रीलंका है इसको अलग करेगा कौन सा आपका पाक स्टेट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है तो द हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर महानदी गोदावरी कावेरी एंड द पेरियार तो किस नदी पर होगा आपका हीराकुंड डैम हीराकुंड डैम ऑज अंदर महानदी और महानदी जो पाई जाती है कहाँ पर ये उड़ीसा में पाई जाती है उड़ीसा तो उड़ीसा की ये सबसे लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है उड़ीसा की और इंडिया की जो है आपकी छठे नंबर की रिवर मानी जाती है सिक्स नंबर की जो है वो इंडिया की है और वे ऑफ़ बंगाल की बात करेंगे तो वे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है तो वे ऑफ बंगाल में जाके क्या करेगी ये गिरेगी जिसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या उसको बोलेंगे आपका महानदी ठीक है आगे बढ़ते हैं और गोदावरी की बात करेंगे गोदावरी कावेरी और ये आपका ये नदियाँ जो है आपके गिरंगी मेरा बंगाल में गिरती हैं साउथ इंडिया हो जाएंगी गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं तो गोदावरी इस नजर वृद्ध गंगा तो उसको हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं उसको बूढ़ी गंगा कहते हैं गोदावरी ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज की विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉर्थ अत्यवतरी ऑफ द गंगा तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है घाघरा भीमा रामगंगा या फिर अमना ठीक है क्लास कहाँ होती है आई एम न्यू टू क्लास सर क्लास होती है आपके टेक्स्ट बुक डिफेंस के चैनल पर अभी तो क्लास ही चल रही है क्योंकि संडे है तो मैराथन है ठीक है <laughs> तुम क्यों मजे ले रहे हो मेरे कुमार सुबह सुबह <laughs> तुमको मिला नहीं सुबह से अभी तो इधर देखेंगे आपका ये हो जाएगी कौन सी दिख गंगा की सहायक नदी नहीं है तो पहली बात तो ये जो क्लास आपकी होती है वो चलती है सुबह दस बजे चलती है मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे को मैराथन लगती हैं तो उसकी बात अलग है ठीक आगे देखेंगे यहाँ पर ठीक है तो कौन सी नदी जो है गंगा की आपकी सहायक नदी नहीं है तो यहाँ पर जो भीमा आपको दे रखा है भीमा जो है इसकी सहायक नदी नहीं मानी जाती है घाघरा होगी घाघरा के अलावा रामगंगा होगी यमुना होगी ये बात याद रखेंगे जो भीमा है वो आपकी कृष्णा की सहायक नदी है किसकी है कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी भीमा ठीक है तो भीमा इज अ ट्रिब्यूटी ऑफ द कृष्णा हो जाएगी राइट ठीक आगे बढ़ते हैं चलो अगला क्वेश्चन आता है बेटा नोट करेंगे कि सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा विच इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अर्थ जो अर्थ का सबसे दूसरा सबसे नजदीक तारा होगा वो कौन सा होगा सूरज के बाद क्योंकि सूरज में क्या हो जाएगा आपका एक तारा हो जाएगा चलिए बताए <laughs> बताओ तो सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा प्रोक्सीमा सेंचुरी गेनीमेड टाइटन या फिर आपका सीरियस ठीक है चलो वह बताएं फटाख से तो पहले तो आपका पड़ेगा अर्थ पड़ेगी अर्थ के बाद पड़ेगा सन पड़ेगा ठीक है यहाँ पर दो ग्रह और पड़ेंगे बीच में बुध और शुक्र पड़ेंगे उसके बाद आपकी अर्थ पड़ेगी इसके बाद में जो प्रोक्सीमा सेंचुरी हो जाएगी वो आपका क्या है यहाँ पर प्रोक्सीमा सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आपका दूसरा निकटतम जो है तारा माना जाता है प्रोक्समा सेंचुरी ठीक है इसके साथ साथ में जो गेनीमेड है आपको पता है गेनीमेड क्या है आपका जो बृहस्पति है जुपिटर है उसका सबसे बड़ा जो उपग्रह माना जाता है वो गैनमेंड हो जाएगा सिवाय के रेशन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप यहाँ पर तो गेंड आपका जुपिटर का सबसे बड़ा आपका माना जाएगा उपग्रह माना जाता है मून माना जाएगा ठीक है और चलिए सीरीज की बात करेंगे सीरीज भी आपका जाएगा। हो जाएगा प्रोक्समा सेंचुरी होगा यहाँ पर प्रोक्समा सेंचुरी ठीक नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस में पड़ेगा यह बताना है तो दिबांग घाटी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह बताना है आसान आंसर क्वेश्चन है ये दो हज़ार ग्यारह की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिवांग घाटी के राज्य में स्थित होगा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड तेलंगाना हिमाचल ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सबसे राज्य दिवांग की बात करेंगे और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है तो जो जनसंख्या जन घन तो दे रखा है आपका ये सबसे कम है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है इसको नोट करेंगे और इसके साथ साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर आता है दूसरा स्टेट जिसका नाम है बिहार तो बिहार इसके जस्ट अपोजिट है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है पीडी जो है यहाँ की सबसे ज़्यादा मानी जाती है इसको नोट करेंगे ठीक है अगला पॉइंट अब यहाँ पर दे रखा है नागालैंड तेलंगाना हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पता क्या है परसेंटेज हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी जो रूरल संख्या आती है जो आपकी ग्रामीण संख्या आती है तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर ठीक है आगे बढ़ेंगे चलो अगला पॉइंट आता है बेटा आपका कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है सो विच ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हैजेक फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जापान तो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी विशेषता ली गई है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्ट्यूशन या फिर प्रिवलेज रिट इन से इनमें से जो ली गई है ये आपको बतानी है बताओ फटाक से की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है प्रेसिडेंट एंड द सुप्रम कोर्ट जस्टिस अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल्स विशेष अधिकार रीट इनकी अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए हो जाएगा आपका यहाँ से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ विधि यहाँ पर तो ये हो जाएगा इसको लिया गया जापान से लिया गया है ठीक है और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ये सब कहाँ से लिया गया ये यूएसए से लिया गया है इसको नोट करेंगे ठीक है क्लियर ये यूसे हो जाएगा अच्छा ये जो दे रखा है आपको जो अमेंडमेंट दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्टीट्यूशन का अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया किस स्टेट से लिया गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो लिया गया है वो किस स्टेट से लिया गया है ये आपको बताना है चलो भाई बताएं फटाक से कहाँ से लिया गया उसको अगर अमेंडमेंट की बात करेंगे तो जो संशोधन प्रक्रिया है साउथ अफ्रीका वेरी गुड तो दिस इज टेकिन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है बोलिए मत बोलेंगे तो मैंने बोलूंगा तो ऐसे कभी बोल देता हूँ मैं ठीक है उसको ये नहीं कि हमेशा इसी भाषा में बोलेंगे ठीक है ऐसे बोलेंगे तो ये टेस्ट पर निकाल देंगे बाहर बोलेंगे ऐसा है कम टू हबी वी यू टू हैप्पीनेस देन कम टू देन आउट फॉर द दस्टी वी हाँ हबी भी ऐसे बोलेंगे ज्यादा मत बुलवाएगा तुम लोग ठीक तो उतनी करने दो जितनी चल जाए पता लगा फिर ये जो है हमको बाद में फिर तुम कॉमेडी सर्कस में देख रहे हो वहाँ कहीं काम करने मिलेगा पढ़ाने में नहीं मिलेगा फिर खैर आगे देखेंगे मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ रॉक राइट तो यहाँ पर देखेंगे संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण हो जाएगा संगमरमर तो सेदिमेंट्री रॉक्स बॉलकोनिक रॉक्स प्लूटोनिक मेटामॉर्फिक किस रॉक का माना जाएगा यहाँ से बोले तो संगमरमर 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 बहुत ही सुंदर चट्टान होती है इसीलिए संगमरमर की तुलना जो है बहुत सुंदरता से की गई है ठीक है सुनोना संगमरमर की वो भी गाना बना हुआ है हाँ और संगमरमर से बहुत गाने बने हुए हैं पहले बॉलीवुड ने खूब गाने बनाए हुए हैं ठीक तो है तो बहुत गाने बनाए हुए हैं हाँ संगमरमर हो जाएगा संगमरमर संगमरमर सा तेरा बदन चंचल सा नहीं चंचल सा मन नहीं चंचल चितवन हाँ ऐसे करके कुछ है तो इसको बोलेंगे मेटामोफिक रोक होती है इसको कांत्री चट्टान कहते हैं तो जो इग्नियस रोग जो होती है आपके जो आग्ने चट्टान होती है उस आग् चट्टान से जब कायंत्रित होती चट्टान तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक हम लोग इसको कहते हैं कायंत्रित जिसकी काया बदल गई हो तो ठीक है काया बदल गई हो इसको बोलेंगे सेडिमेंट्री मतलब जब सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं एयर के द्वारा वाटर के द्वारा तो एयर वाटर के द्वारा जो आपके सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे उसको बोलेंगे कि हम लोग अपसादी चट्टान कहते हैं बॉल्केनिक रोग यानी कि ज्वालामुखी चट्टान हो जाएगी ठीक है इसको बोलेंगे छुट्टी कब करेंगे छुट्टी है छुट्टी छुट्टी है

यू हैव टू नो दैट कि 250 मेंबर जो है राज्यसभा में होते हैं इसमें से 238 जो होते हैं 238 ये क्या करे जाते हैं इलेक्टेड किए जाते हैं एंड 12 जो मेंबर हैं वो क्या किए जाते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं तो नॉमिनेट हो जाएंगे ठीक है ऐसे करके अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है अगला क्वेश्चन कहता है बेटा कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की सख्ती से संबंधित होगा सो विथ आर्टिकल डील्स विद दर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर आर्टिकल टू हंड्रेड राइट right? ऐसे ऐसे बोलेंगे आर्टिकल आर्टिकल वन आर्टिकल वन, आर्टिकल वन, ये बताना आप लोगों को तो यहाँ से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा <laughs> चलो तो उसको बोलेंगे बेटा आपका आर्टिकल टू वन थ्री हो जाएगा अध्यादेश उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं ऑर्डिनेंस क्यों पास किया जाता है इसके पीछे रीजन है तो जब कभी हमारे सेशंस होते हैं सेशंस की अगर बात करेंगे तो हमारे जो सेशंस के बीच में गैप होता है छह महीने तक का गैप होता है अगर उसमें कोई भी हमको आदेश पारित करना है तो राष्ट्रपति उसमें आदेश पारित कर सकते हैं और जब सेशन होगा तो उसमें फिर वोटिंग कर ली जाएगी अगर वो चलेगा तो आगे वो आदेश बन जाएगा नहीं तो फिर उसको खारिज कर दिया जाएगा तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द बिहाइंड अध्यादेश भारतीय मानक समय ग्रीन ब्रिच मध्य समय से कितना आगे है तो एक्चुअली में अगर मानक समय गेंदबिज के समय की डिस्टेंस की बात करेंगे तो जीरो डिग्री से एट्टी टू पॉइंट फाइव डिग्री आ जाएगा आपको पता है कि एक डिग्री बराबर कितना होता है चार मिनट होता है एक डिग्री बराबर और एट्टी टू पॉइंट अगर फाइव की बात करेंगे तो यहाँ पर गुणे चार कर देंगे तो आपका निकलेगा तीन सौ तीस मिनट निकलेगा तीन सौ तीस मिनट को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो पाँच घंटा कितना हो जाएगा तीस मिनट यानी कि साढ़े पाँच घंटा के आसपास हो जाएगा आ, फाइव फाइव एंड दर्टी पाँच घंटा तीस मिनट तो हो जाएगा पाँच घंटा तीस मिनट हो जाएगा सो ए आंसर इज द राइट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेटा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है सो बिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर द राइट टू सिटीजन्स टू एक्ट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए क्या देता है यहाँ पर राज्य को निर्देश देता है तो आपको पता है कि ये दिया गया कश्मे डी पी में दिया गया है आर्टिकल थर्टी नाइन

द वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाइएस्ट इन जल धारण क्षमता किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है मिक्सर ऑफ द सैंडी एंड द लोमी सॉयल सैंडी सॉयल लोमी सोयल या फिर आपका क्ले सोयल ठीक है हाँ तो जल धारण क्षमता किस मिट्टी में सबसे होगी सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी हो जाएगी जो हमारी ये जो किले मिट्टी होती है खासकर चिकनी मिट्टी होती है तालाब के नीचे मिट्टी होती है या फिर आप काली मिट्टी कह सकते हैं इनके जल धारण करने की क्षमता जो होती है क्षमता वो ज्यादा होती है राइट नेक्स्ट देखेंगे कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा

दूसरा जो प्रशासन के बारे में बताता है तीसरा जो अकबर के बारे में बताता है इसको ऐसे याद कर सकते हैं नेक्स्ट आता है कि कौन सा भारत का पूर्व राष्ट्रपति नहीं है तो यहाँ पर स्टडी का सवाल है ज्ञानी जेल सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह शंकर दयाल शर्मा के आर नारायण तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति नहीं रहे हैं वो यहाँ पर विश्व विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएंगे के आर नारायण शंकर दयाल शर्मा ज्ञानी जेल सिंह ये सब तो हमारे रहे हैं प्रेसिडेंट के तौर पर ठीक है बात आगे बढ़ेंगे अगला पॉइंट आता है कि एक पुष्प सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है हरे प्रकाश में किस रंग का दिखाई देगा सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है ठीक है हरे प्रकाश में किस तरह का दिखाई देगा ये ये बताना है तो हरे सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है इसका मतलब जो है कि ये क्या करेगा लाल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो लाल को क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है लाल को रिफ्लेक्ट करेगा और जब हरा इस पर पड़ेगा तो हरा लाल मिलके क्या बन जाते हैं ये बन जाएगा काला बन जाएगा तो हरा लाल मिलके क्या बनेंगे काला बनेंगे तो कैसा दिखाई देगा ये काला दिखाई देगा अगर बचपन में पेंट पड़ा होगा पेंट किया होगा थोड़ा बहुत कलरों से अगर किया होगा तो आपको पता होगा कि काला बनने के लिए हरा लाल मिला जाते हैं तो काला बनता है तो जब वो सूर्य की सूर्य में क्या सारे कलर होते हैं सातों कलर होंगे सूर्य के सातों कलर जो है इसमें पड़ेंगे तो जब लाल दिख रहा है इसका मतलब बाकी जो कलर है इसने ऐबॉर्व कर लिए हैं लाल को बाहर छोड़ रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है लाल को जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये बाहर जब इसमें हरा कलर डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा ये ये वैसा हो जाएगा काला हो जाएगा ठीक है काला काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चलो

And if the children's chromosome have X and Y. So definitely is, he is a male, right? So if X chromosome from the female and the X chromosome from the male, then they produce the female. And if the X chromosome from the female and the Y chromosome from the male, then they produce the male child. So we can say that the sex of the children is decided by the both father and the mother both. Okay? Father and the mother both. Achha, eh? अच्छा यार दोनों को होना चाहिए इस बच्चों को लिंक कैसे प्राप्त होने वाले होता दोनों से हो जाएगा सिर्फ पिता कैसे हो जाएगा पिता होगा सिर्फ कैसे दोनों से नहीं होता है तो एक्स एक्स वाई दोनों से होना चाहिए ना मतलब अगर डिसाइड होता है वैसे प्राप्त तो दोनों से होते हैं एक्स एक्स आपको मेल फीमेल से प्राप्त हो जाएगा ये एक्स वाई से हो जाएगा लेकिन हाँ ये भी बात है इसमें फीमेल का रोल है नहीं फीमेल का तो दोनों का तो एक्स जाएगा यहां से ये भी एक्स और एक्स आ रहा था तो इसका एक्स जब आएगा तो यहाँ पे फीमेल ये वाला डिसाइड करेगा ये वाला डिसाइड करेगा तो कह सकते हैं पिता कह सकते हैं बट आगे से अगर बात करेंगे दोनों से प्राप्त होगा फादर ही होगा फादर होगा फादर से प्राप्त होगा कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा क्योंकि लड़का लड़की जो एक्स और भाई हो जाएंगे हाँ एक्स और जो भाई हो जाएंगे वो पापा से मिलेंगे बाकी दो एक्स तो आपको मम्मी से मिलते हैं इधर इधर एक्स एक्स लेकिन जो ये एक्स मिलेगा जो डिसाइड कर रहा है जो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर वो आपको क्या हो जाएगा आपका पापा से होगा ठीक है लेकिन अगर क्रोमोजम की बात करेंगे तो दोनों क्रोमोजम मदर फादर दोनों से मिलते हैं ठीक है थीके? मेल का एक्सपायर डिसाइड करता है हां ये तो ठीक है एकदम क्लियर है आगे देखते हैं जब भाप गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तो वह क्या उत्पन्न करती है कल की क्लास अगर की होगी आप लोगों ने तो कल की क्लास मैंने बताया था आप लोगों को जब भाप गर्म कोक के ऊपर डालोगे तो यहां से हमको सिंथेथिस गैस मिलती है जिसको हम लोग संश्लेषण गैस के रूप में हम उसको जानते हैं ठीक है और इसके अलावा देखेंगे निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है तो बिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉमनली नोन एज अ ब्रेन फीवर तो ब्रेन फीवर इज़ नोन एज आ उसको बोलेंगे हम लोग एनसेफ्लाइटिस कहते हैं एनसेफ्लाइटिस या है, फिर मस्तिष्स सोत कहते हैं उसको उसको ब्रेन फीवर कहते हैं ठीक है नेक्स्ट सवाल कि जल के नीचे ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो जल के नीचे धन के संकेत का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन एमीटर पायरोमीटर या बोलोमीटर तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि हम लोग जल के नीचे जो ध्वनिक संकेत होते हैं तो उसमें हम हाइड्रोफोन का यूज़ करते हैं एमीटर हम लोग करंट का पता लगाने के लिए करेंगे करंट हो जाएगा ठीक है और बोलोमीटर आपको पता है कि बोलोमीटर टेम्परेचर यूज किया जाएगा करेंगे यहाँ पर ठीक है चलो भाई अगला देखें यहाँ पर कि कौन सा विकल्प से आखिरी सवाल आपका है यूनिट ऑफ द फोर्स यूनिट ऑफ द फोर्स नहीं जूल से थोड़ी ना पेंगे फोर्स बर्कडन न्यूटन पास्कल बार ये तो प्रेशर नहीं है प्रेशर पास्कल बार एंड द टोर ठीक है तो ये हो जाएगा ठीक पास्कल बार एंड द टोर बाकी सब क्या हो जाए गलत हो जाएंगे वॉल्यूम कभी किलोग्राम ग्राम मीटर नहीं होता ये मास का यूनिट हो जाएगी यहाँ पर तो दिस इज फॉर द टुडे ठीक है इसके अलावा क्लास आपकी चलती है मॉर्निंग में सुबह दस बजे क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर जहाँ पे आपको ये रही आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ तो आप ऐट द रेट अमित सर टेक्स के नाम से आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जाके भी सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और चैनल पर जाने के लिए आप टेक्स डिफेंस को टाइप करेंगे यूट्यूब पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप टेक्स डिफेंस टाइप करते हैं यूट्यूब पर तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेक्स डिफेंस पर इसको क्लिक किया ये आपका चैनल है इसको ज्वाइन करेंगे क्लास पे आएंगे यहाँ पर और ज्वाइन अगर ज्वाइन नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे आके सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इसके अलावा आप आएंगे तो यहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप मेरा मिल जाएगा ए पी तो टेलीग्राम ग्रुप यहाँ से पहुँच जाएंगे और जो हमारा बैच चल रहा है उस बैच परचेज बैच पर जाने के लिए इन कोस्ट गार्ड नापे कर यहाँ पर जा सकते हैं जिसमें मैं अभी आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ आपके पेड बैच में ठीक है तो जहाँ पर जाके आप मेरा जो कूपन कोड है यहाँ पर लिखा होगा कुछ भी आपका तो यहाँ पर आपको ए कूपन कोड अप्लाई करना है जिससे आपको मिलेगा मैक्जम डिस्काउंट तो इसी के साथ मैं पे आपसे विदा लेता हूँ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गुड बाय